व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर बॉय पंची एंड यू आर वॉचिंग पंचीज पिट्स पर। हम ऐसी अतरंगी और बॉम्ब वीडियोस ब्लॉगिंग, पेड ब्लॉगिंग करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के थ्रू आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा चीज़ आपको मिलेगी। बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन से लेके तो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी। सो प्लीज़ श्योर डैम श्योर टू मेक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि कबूतर को घर का पक्का कैसे किया जाता है, तो वही है ब्लॉग को आज पूरा बॉम्ब बनाएंगे और आपको पूरा कबूतर उड़ाने तक के, कबूतर जिताने तक के आपको पूरी बाजी की ट्रेनिंग बताएंगे। तो ये अपना आज का जो है ये सेकंड ब्लॉग होने वाला है। सेकंड ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अपने जब पिंजरे की जो सुकाई ख़त्म हो जाने के बाद में आपको कौन सी सुकाई देना होता है, तो मैं वो बताने वाला हूँ आज। तो आपको मैं पहले अपने छत का व्यू दिखा देता हूँ और साथ ही साथ में कबूतर भी दिखा देता हूँ कि कबूतरों में क्या चेंजेस आए हैं। पहले जितने चंचल कबूतर थे अब उतने चंचल नहीं रहे हैं वो, अभी वो थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई है उनमें कि वो ज़्यादा मतलब चमक नहीं रहे हैं कबूतर। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी छत का लुक और उसके बाद में मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या करना है दूसरे ब्लॉग में। तो वीडियो को, ये ब्लॉग को काफ़ी बॉम्ब बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले वो आपके पास में पहुँचे। तो यही है, करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। व्यूअर्स, जैसे कि आप सभी देख सकते होंगे कि ये चार कबूतर की ट्रेनिंग चालू की थी अपन ने, तो देखिए आज कम से कम 8 से 10 दिन हो चुके हैं इनको ऐसे सुखाई देते हुए, कंटिन्यू इनको यहीं पे सुखाई देना चालू है। तो देख सकते हो आप ये कबूतर, पहले जिस तरह से कबूतर चमक रहे थे उस तरह से अभी कबूतर नहीं चमक रहे हैं। तो देख सकते हो आप ये ऐसे पिंजरे में, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरे यहाँ पे बंदर है, वीडियो में आपको ब्लॉग में दिख ही रहा होगा कि बंदर वगैरह है। तो बंदर वगैरह क्या करते हैं कि बांस वगैरह सब सारा चीज़ें तोड़ देते हैं, तो उस वजह से मैंने क्या किया है कि पिंजरे की जो है मैंने सुखाई देना स्टार्ट किया हूँ। तो करते इनको खोलते हैं आज इनको, पहली बार अपन पिंजरे से अपने छत के ऊपर हिलाएंगे इनको। पिंजरे पे तो ये ऑल सेट हो चुके हैं, तो देखते हैं। आ बेटा, आ बेटा, देख सकते हो किस तरह से पिंजरे पर ये बैठ रहा है कबूतर। देखिए, तो आपको क्या करना है गाइज, आप देख सकते हो कबूतर आराम से छत पर खुल गए हैं, सभी परदार कबूतर है। तो आपको करना क्या है कि जिस तरह से कबूतर देख सकते हो आप ये मेरे पीछे में खुल चुके हैं, तो कबूतर को क्या करना है आपको, एकदम मतलब उनको छेड़खानी कुछ भी नहीं करना है, जैसे उनकी मर्जी है, जैसे वो आराम से मतलब छत पर ये ओपनली घूम रहे हैं तो उसी तरह से आपको घूमना है, ना उनको छड़ी लगाना है ना उनको थोड़ा सा भी, उनके साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। तो इससे क्या होगा कि अपन इनको कम से कम 2 से 3 दिन तक के इनको छत की सुखाई देंगे। सुखाई देने के बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से अपने को इनको तावे देना है अपने घर को पक्का करने के लिए। और मैं कबूतरों को दूर दूर से भी छोड़ूंगा कि कबूतर वापस आते हैं नहीं आते हैं, इनको तो अभी फ़िलहाल में कुछ भी छेड़ी नहीं जाएंगे इनके, ना इनको छड़ी लगेंगी, तो ये अपने आप ही दाना पानी सब यहाँ पर ही चुगेंगे ये, और यहीं पर ही टहलेंगे 2-3 दिन तक के, इनको कोई भी छेड़खानी नहीं होंगी। जैसे कि गाइज आप सभी देख सकते हो अभी कम से कम वक्त 5:30 बजे का हो चुका है और ये देखिए चारों कबूतर आराम से अपना
जैसे इन दाना डालने का टाइम हो चुका है, तो दाना डालने के लिए खाने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। तो देखिए 100% ये वर्क करने वाला काम है, जैसे सुखाई देने वाला। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आपके कबूतर कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने उनकी सुखाई अच्छे से दी है तो, पिंजरे वाली या फिर आप छतरी वाले भी देते हो तो। तो देखिए ये अच्छे से कबूतर घूम फिर रहे हैं। तो आ जाऊँ मैं न्यू ब्लॉग के साथ में। तो इसके बाद में क्या करना है आपको, मैं आपको अगले ब्लॉग में बताता हूँ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग ब्लॉग। ये साल में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ब्लॉग करेंगे अपन जान पेट्स के साथ में। तो प्लीज़ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप भी कबूतर उड़ाइए। मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अपना सेकेंड है। थैंक यू।